के खिलाफ जिले भर में कार्रवाई की है। जिले के विभिन्न थानों के पुलिस ने अलग अलग थानों में असामाजिक तत्वों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए जुआ सट्टा के 50 से अधिक मामले दर्ज किए। साथ ही अवैध तरीके से शराब बनाने में 15 से अधिक मामले के आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया। इसके अलावा नशेड़ियों के कई मामलों पर कार्रवाई की गई। पुलिस कप्तान प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर बिलासपुर में थाने से लेकर चौकी स्तर पर अभियान चलाया गया। बिलासपुर पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय कुमार भाषण ने कल पूरे असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो अभियान चलाया गया था, जिसमें जुआ सत्ता के लगभग 50 से अधिक प्रकरण और NDPS के 5 मामले, 15 से अधिक शराब के मामले जो है बनाए गए हैं। और इसी में पुलिस के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ में जल्द किया जाएगा कला परिषद का गठन। वही छत्तीसगढ़ के खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने 2 साल पूर्ण हो जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मंत्री भगत ने छत्तीसगढ़ में कला परिषद का गठन करने, फिल्म नीति बनाने, तेंदुपत्ता का मानक वोरा और 4,000 रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसान, आदिवासी और गरीबों के लिए काम किया है, कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए भी काम किया है। सबसे बड़ा तो कला परिषद का यहाँ गठन होने जा रहा है, जिसका प्रक्रिया लगभग पूर्णता की ओर है। इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होंगे और विभागीय अध्यक्ष इसमें उपाध्यक्ष होंगे। सभी कला और सभी विधा के लोगों को जो प्रमुख होंगे वो इसमें मेंबर होंगे। कुल मिलाकर के कला परिषद के गठन हो जाने से यहाँ संस्कृति के क्षेत्र में हमको काम करने में और अन्य प्रदेश और अन्य देशों के बराबरी खड़ा होने में और आगे बढ़ने में हमको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। रोहतास के दरहिट थाना के बेरकम गांव के समीप 300 नदी के में नहाने गए 30 वर्षीय युवक नसीम अंसारी की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक भड़कुरिया गांव का निवासी था। सूचना पर पाकर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए शाशाराम के सदर अस्पताल लाया गया। रिहट थाना अंतर्गत बेरकम गांव के सामने सोन नदी में और पुड़िया गांव के नसीम अंसारी की सोन में नहाने के दौरान मौत। टोक्यो ओलंपिक में इस बार भारतीय हॉकी के तेजी से उभरते खिलाड़ी विवेक सागर भी प्रतिनिधित्व करेंगे। दरअसल जिले के चांदौन गांव के रहने वाले विवेक सागर प्रसाद का भारतीय टीम में चयन हुआ। टोक्यो ओलंपिक में इस बार भारतीय हॉकी के तेजी से उभरते खिलाड़ी विवेक सागर भी प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय हॉकी टीम 17 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक के लिए रवाना होगी और पहला मैच भारत का ऑस्ट्रेलिया में होगा। आपको बता दें कि विवेक सागर इंडियन जूनियर हॉकी टीम की कप्तानी कर चुके हैं। इटारसी शहर के छोटे से गांव शिवनगर चांदौन से बिलोंग करता हूं। हाल ही में मेरा सिलेक्शन ओलंपिक्स गेम्स के लिए हुआ है, जो कि स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है। ये मेरा पहला ओलंपिक्स है और मैं इसको मेमोरेबल बनाना चाहता हूं। हम 17 जुलाई को इंडिया से टोक्यो के लिए रवाना होंगे
और 24 जुलाई को हमारा फर्स्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ है। आई होप कि आप सारे मैचेस देखेंगे हमारे और हमें सपोर्ट करेंगे। खबर सीधी से है, जहां पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक रीवा जोन उमेश जोगा ने सीधी का दौरा किया, वहीं संजय गांधी महाविद्यालय ऑडिटोरियम में सैनिक सम्मेलन में उनकी समस्याओं से भी रूबरू हुए। पुलिस अधीक्षक ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों की बैठक भी ली। भोपाल में बिजली विभाग से उपभोक्ता प्रताड़ित हैं। दरअसल लॉकडाउन से हुए बेरोजगार उपभोक्ताओं द्वारा बिल का भुगतान करने के बाद भी बिजली कर्मचारियों ने बेवजह चालान काटे और कोई स्पष्ट और कोई जवाब नहीं दिया। पूरा मामला वार्ड नंबर 11 के संजय नगर का है। यहां बिजली विभाग के कर्मचारी महिला उपभोक्ता की माने तो उनकी मना करने के बावजूद भी घर में घुसकर कार्रवाई की गई। जी बताइए क्या मामला है? हमारे हर महीने के बिल भरा जा रहे हैं जी। ये देखिए अगले महीने के भरे जी, भरे नहीं भरे तो फिर हमारा चालान काट दिए। अब इस महीने में देर के आए हैं ना, 22 तारीख को दिए, कब जमा करेंगे? 10 को करेंगे ना जमा जी। फिर ये घर में घुस के बिल काटने के तो वो। खबर छतरपुर के सुनाटी से है, जहां के शिक्षक बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि शिक्षक बच्चों से अपनी निजी काम करवाते हैं, उसके साथ ही नशे का सामान भी लाने को भेजते हैं। वहीं शिक्षक पवन चौबे का कहना है कि तुम गांव के गंवार बच्चे को पढ़ लिख कर क्या कर लोगे, हमें पैसा दो तुम सब पास हो जाओगे। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ो, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और हम मार्कशीट बनवा कर भी देंगे। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जिसकी शिकायत हमने कई बार SDM नौगांव के माध्यम से की है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। संदर्भ में आपके द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसकी सीख ही जाके मौका पर निरीक्षण करते हैं और यदि संबंधित टीचर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई वरिष्ठ कार्यालय के लिए प्रस्तावित करते हैं। MP के छतरपुर में इन दिनों हाथों में हथियार लेकर डांस करने का फैशन सा बन गया है। कभी शादी समारोह में अवैध कट्टे लहराते युवकों का डांस सोशल मीडिया में वायरल कर पुलिस को चुनौती देते हैं, तो अब बुंदेलखंड के फेमस राय नृत्य के दौरान बंदूक लेकर एक युवक डांस के साथ साथ फायरिंग भी करता नजर आ रहा है। फायर एक बार मिस हो जाने के बाद दोबारा किया गया। फायरिंग के दौरान महिलाओं व पुरुषों की भीड़ मौके पर मौजूद रही। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद SP ने बक्सवाहा के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए युवक नरेंद्र परिहार की लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर लिया और इसके साथ ही युवक नरेंद्र परिहार के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। सर, लोग जैसे शस्त्र लेकर के जाते हैं या वो लाइसेंस या कुछ भी हो, सर उन पर क्या रोक रही है? शस्त्र जो आपकी उसकी लाइसेंस है, उसकी जो शर्त है, उसके पालन के साथ आप ले जा सकते हैं, लेकिन उसका प्रदर्शन करना, हवाई फायर करना, ये सब कुछ। विदिशा में शमशाबाद के ग्राम सिंहाखेड़ी में जमीन विवाद के चलते महिला पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में महिला की दर्दनाक मौत हो गई।
अब बता दें कि विमला बाई खेत पर फसल की बुआई रोकने गई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। सहरसा जिला अंतर्गत नौहट्टा ब्लॉक के केदली पंचायत के कई ऐसे गांव हैं जहां पानी की चपेट में आने से कई लोग घर से बेघर हो चुके हैं। वहां कई लोग ऐसे हैं जहां ऊपर की प्रलय देव और नीचे कोसी की मार झेल रहे हैं। के न्यूज संवाददाता दीपेंद्र कुमार ने सभी क्षेत्रों का जायजा लिया है। सहरसा जिला अंतर्गत नौहट्टा ब्लॉक के केदली गांव के ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरह से आप देखिए कई लोग बेघर हो चुके हैं और कई लोग यहां से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। क्या समस्या क्या है, क्यों जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं आप लोग? हम लोग का घर कट रहा है इसलिए जा रहे हैं, पीछे के साइड जा रहे हैं बनाने के लिए फिर घर। हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, नाव नाव का कोई व्यवस्था नहीं है ना कोई। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी तो हम यहाँ सामान उठा करके जा रहे हैं, घर दूसरे जगह ले जा रहे हैं। कटाव के तरफ से मैं जा रहा हूँ, छतवन पश्चिम की ओर ले जा रहा हूँ। कई ऐसे समस्या बनी पड़ी हुई है जो पानी की जल जमाव को लेकर के कई लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ। हालांकि मैं बता दूं कि कई ऐसे घर है जो कई रेन कट की समस्या से कई घर कट चुके हैं और कई लोग जो लोगों में दहशत का माहौल है। के न्यूज इंडिया, दीपेंद्र कुमार, सहरसा। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समस्तीपुर जिले में एक प्रेमी युगल आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए और फिर क्या था, समाज के ठेकेदारों ने कोर्ट की तरह फैसला सुनाने में देरी नहीं की। पहले तो चुपके से उसका वीडियो बनाया और फिर उसे खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इतने से भी मन नहीं भरा तो दोनों को पेड़ से बांध कर पीटते रहे। नाबालिग लड़की समाज के ठेकेदारों के सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और अपनी अस्मत को सार्वजनिक नहीं करने की गुहार लगाती रही, लेकिन इन लोगों ने सख्त सजा देने में कोई रहम नहीं की। फिर लाख भूसों से मारा और पीटा भी। सीआरपीएफ भीमबांध मुंगेर व मुंगेर पुलिस के साथ ही जमई पुलिस द्वारा मुंगेर जिले के गंगटा थाना क्षेत्र व जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों के विरोध चलाए गए सर्च अभियान के दौरान कई कांडों में शामिल मुंगेर के वांछित नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। संयुक्त अभियान में चौकिया जमुई निवासी नक्सली धर्मेंद्र कोडा को गिरफ्तार कर लिया गया है और ज्ञात हो कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुंगेर जिले के गंगटा थाना क्षेत्र में वांछित कुख्यात नक्सली धर्मेंद्र कोडा व अन्य नक्सलियों द्वारा चुनाव प्रभावित करने को लेकर लैंडमाइंस विस्फोट व अंधाधुन फायरिंग कर पोलिंग पार्टी व जवानों को क्षति पहुंचाने के आरोपी हैं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल के लिए सरकारी अनुदान देने की तैयारी पर कड़ा ऐतराज जताया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और ना ही मुझसे कोई इस मसले पर चर्चा की गई है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं कि सरकारी पैसा निजी हाथों में दिया जाए और वे लोगों से ही पैसा लेकर उपचार करें। जिस वक्त हमें अपने साधन संसाधनों को बढ़ाना चाहिए, उस वक्त अगर निजी क्षेत्र को अनुदान दिया जाएगा तो यह उचित नहीं है, जिससे एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर लौट आया है। अभी सुना कहीं पर, मेरे से तो कोई चर्चा किसी की नहीं हुई है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं तो शुरू से ही यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करता रहा हूँ, वो अंग्रेजी के शब्द हैं तो शायद
लोगों तक पहुंच नहीं पाते, लेकिन निशुल्क सभी नागरिकों का पब्लिक के पैसे से, पब्लिक मनी से, सरकार के बजट से उपचार हो, मैं इस पक्ष का विचार रखता हूं। और हम ये कहते हैं कि हमारे पास सरकारी तंत्र के स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के लिए पैसों की कमी आती है, वहीं दूसरी ओर हम निजी क्षेत्र को अगर पैसा देते हैं तो अगर निजी क्षेत्र निशुल्क काम करेगा तो बिल्कुल ठीक है। तालमेल का अभाव तो स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से दिख रहा है कि जब एक ही योजना को लेकर मुख्यमंत्री जी का बयान आता है और उसी में स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान तुरंत आता है कि ना मुझे इसकी कार्ययोजना के बारे में ना मुझे जानकारी है, ना मैं इससे सहमत भी नहीं हूँ। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो जब उस स्वास्थ्य मंत्री इस बात को बोलने के लिए तैयार हैं सार्वजनिक रूप से कि मैं इस विषय को मानने को तैयार नहीं हूँ, उस कंसेप्ट को ही मैं रिजेक्ट करता हूँ, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि आपस में कितना तालमेल है। निश्चित रूप से ये प्रदेश में बता रही है कि सरकार में कितनी एकरूपता है। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में MBBS डॉक्टर नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। सबसे प्राथमिकता है ऐसे अस्पतालों को सुदृढ़ करना और सुदृढ़ करके वहां पर इलाज की व्यवस्था ठीक से हो सके। लेकिन उसके बजाय मुख्यमंत्री को शायद सरकारी अस्पतालों के ऊपर भरोसा नहीं है और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल को अनुदान देने की बात आई है। खबर बिलासपुर से है, जहां तारबहार और रतनपुर पुलिस की कार्रवाई से 1 क्विंटल 25 किलो गांजा बरामद किया गया। आरोपी आटिया कार में गांजा भरकर रायपुर से कोरबा की ओर जा रहा था। इसकी जानकारी तारबहार थाना प्रभारी और साइबर एक्सपर्ट कलीम खान को जानकारी मिली। घेराबंदी को देखकर कार में सवार 3 लोगों में से एक खेत के रास्ते भाग गया, तो वहीं कार में 2 पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस मामले में पुलिस ने कटनी निवासी ऋषि सिंह परिहार और अनूपपुर सहडोल निवासी राहुल रजक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार एक साथी की तलाश की जा रही है। आज सुबह जो है SP सर बिलासपुर को मुखबिर से सूचना मिली कि 2-3 गाड़ियों में गांजा जो है उड़ीसा की तरफ से आ रहा है, जिस पर साइबर सेल प्रभारी कलीम खान की टीम गाड़ियों का पीछा करते हुए आई और रानीगांव मदनपुर के पास में लोकेशन मिलने पर एक साइड से कलीम खान की टीम ने और एक साइड से रतनपुर थाने की टीम ने अर्टिगा गाड़ी को पकड़ा, जिसमें से 1.25 क्विंटल गांजा और 2 आरोपी मिले हैं। गाड़ियों में 2 नंबर प्लेट भी हैं, जिसके आधार पर और भी आरोपी मिलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस प्रभारी अरुण सिंह सिसोदिया के निर्देशानुसार महापौर हेमा देशमुख, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान, वरिष्ठ कांग्रेस जन की उपस्थिति में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संपन्न कराए गए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।